नमस्कार, कैपिटल टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आज सवाल ममता बनर्जी पर सुलगाएंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले भड़की हिंसा ने राज्य की ममता सरकार को बौखलाहट में डाल दिया है। नामांकन के आखिरी दिन अचानक भड़की हिंसा ने ममता बनर्जी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। चौबीस परगना जिले के भांगर में भड़की हिंसा के बाद अब पश्चिम बंगाल में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल ममता बनर्जी की सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। साथ ही भड़की हिंसा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जताई है और पंचायत चुनाव खत्म होने तक राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। तो वही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिससे ममता बनर्जी पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों से क्यों डरी ममता? हाईकोर्ट से क्यों गिड़गिड़ा रही सीएम? क्या पंचायत चुनाव होगा बड़ा खेल? ममता के एजेंडा कैसे हो गया फेल? इन सवालों ने पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ममता ने हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। दरअसल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 15 जून को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ 7 जिलों के संवेदनशील इलाकों में नहीं बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायाधीश हिरणमय भ्रष्टाचार की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र के पास आवेदन करने को कहा है। इससे पहले अदालत के दिए गए आदेश में बंगाल के सिर्फ 7 जिलों उत्तर और दक्षिण, 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, वीरभूम, मुर्शिदाबाद और जलपाईगुड़ी के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने आयोग के अधिवक्ता से पूछा कि क्या उनके पिछले आदेश का अनुपालन किया गया है। इस पर उन्हें जानकारी दिया गया कि संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। यह सुनकर मुख्य न्यायाधीश ने कड़े शब्दों में कहा कि मैं यहां आयोग को उपदेश देने के लिए नहीं बैठा हूं। उधर पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन भी जमकर हिंसा हुआ, जिसमें अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में हुई हिंसा में पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कई जगह मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई। हमले में माकपा और कांग्रेस के 10 से भी ज्यादा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए और दर्जन भर से ज्यादा मामूली रूप से चोटिल हुए, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दल ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि आज बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि सीपीआईएम के शासन के दौरान क्या हिंसा नहीं हुई थी। ममता ने कहा कि कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार थी, वे संसद में हमारा समर्थन चाहते हैं, भाजपा के विरोध में उनका समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें सीपीआईएम के हाथ मिलाने के बाद बंगाल में समर्थन मांगने के लिए हमारे पास नहीं आना चाहिए। वही अब बीजेपी भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके संरक्षण में प्रदेश में हिंसा का तांडव हो रहा है। जनता टीएमसी को उसी तरह सबक सिखाएगी जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों को सिखाया था। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले की 25 से 30 घटनाओं की सूची होने का दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दिए हैं, हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है, ये कष्टकारक है। इससे भी अधिक दुखद है वहां की सरकार की असंवेदनशीलता। हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघात हमले हो रहे हैं ताकि वो वोट नहीं दे सके। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, वो भारत के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत ही काला अध्याय है।
बंगाल में 341 ब्लॉक है। आखिरी दिन यहाँ 4 घंटे के अंदर 40,000 से अधिक लोगों ने नामांकन किया है, वो भी 340 ब्लॉक में। यानी एक व्यक्ति के नामांकन का समय औसतन 2 मिनट आता है। इस गति से हुए नामांकन दर्शाते हैं कि स्थानीय सरकार किस तरह से व्यवस्था को अपने हाथ में लिए हुए हैं। क्या ये लोकतंत्र का उपहास नहीं है? सुधांशु त्रिवेदी आगे कहते हैं कि मैं टीएमसी से ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंसा का जो खेल आप खेल रहे हैं, ऐसा ही कम्युनिस्ट सरकार करती थी। आज आप उनका हाल देख लीजिए। अटल जी की लिखी पंक्तियां हैं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही अक्सर खरा होता है। मैं समस्त विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र का हिंसा से घायल स्वरूप आज जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज वहां भारत माँ के विरुद्ध शक्तियां खड़ी हैं। माटी खून से सनी है, मनुष्यता पूरी तरह से व्यक्तित्व और कलंकित नजर आ रही है। उसको देखकर भी किसी विपक्षी दल को कोई समस्या नजर नहीं आ रही। डॉक्टर त्रिवेदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी की सरकार दमनकारी सरकार है। एक समय था उन्होंने कम्युनिस्टों का दमन झेला था, तब बीजेपी ने ही उनकी मदद की थी और अब वो खुद कम्युनिस्टों की राह पर चल रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र लगभग समाप्त हो गया है, मैं उनसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जिस स्तर की हिंसा देखी जा रही है वो क्या दर्शाती है? वो लोकतंत्र फल फूल रहा है या लुप्त हो रहा है? आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई हो। ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि आखिर यहाँ चुनाव के दौरान हिंसा क्यों भड़क उठती है? अगर पिछले सालों के आंकड़ों और चुनावी हिंसा के लंबे इतिहास को ध्यान में रखें तो काफी हद तक इस सवाल का जवाब भी स्पष्ट हो जाता है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि बंगाल में हिंसा अब चुनावी संस्कृति का हिस्सा बन गई है। यहाँ साल 2018 के पंचायत चुनाव के बाद उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव को दौरान यहाँ भी काफी हिंसा देखने को मिली। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां भी बटोरी। दरअसल एनसीआरबी ने 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूरे साल के दौरान देश में होने वाली 54 राजनीतिक हत्याओं के मामले में से 12 बंगाल से जुड़े हैं। उसी साल केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को जो एडवाइजरी भेजी थी उसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में 96 हत्याएं हुई हैं और लगातार होने वाली हिंसा गंभीर चिंता का विषय है। उसके बाद एनसीआरबी ने सफाई दी थी कि उसे पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों से आंकड़ों पर स्पष्टीकरण नहीं मिला, इसलिए उनके आंकड़ों को फाइनल नहीं माना जाए। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 50 हत्याएं 2009 में हुई। उस साल अगस्त में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के एक पर्चा जारी कर दावा किया था कि 2 मार्च से 21 जुलाई के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 62 काडरों की हत्या कर दी है। लेकिन ये सवाल उठता है कि राजनीतिक रूप से स्थिर इस राज्य में हिंसा की संस्कृति वैसे लगातार बरकरार है। वही इस बार का भी पंचायत चुनाव अलग नहीं है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंसा की खबरें आने लगी। वही अब नामांकन के आखिरी दिन हिंसा ने तो सबको हिलाकर ही रख दिया और यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा जैसी विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की थी, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी चुनाव होने की वजह से तमाम दलों के लिए ये पंचायत चुनाव ग्रामीण इलाकों में उनको अपनी ताकत आंकने का पैमाना साबित होंगे। इन नतीजों का असर अगले साल के अहम लोकसभा चुनाव पर होना तय है और यही वजह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही तमाम दलों की योद्धा कमर कसकर मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में अगर राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की जाएगी तो आने वाले दिनों में हिंसा और तेज होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुलगता सवाल में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।